नोटिस जारी होते ही एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गौवंश को एनएच से भगाने का किया दिखावा। नाम क्या है और किस प्रकार की एनएचआई पे कार्रवाई की जा रही है? देवेंद्र चापेकर मेरा नाम है और एनएचआई जो है यहाँ पर आवारा पशु की बहुत समस्या है। यहाँ लोग बारिश के कारण से आवारा पशु को गीला लगता है, इसलिए वो रोड पर आके बैठ जाती है, उसके कारण से ये एक्सीडेंट की संभावना होती है। कहीं कहीं जानवर भी मरते हैं और जो रोड यूज़र थे उन वो भी एक दुर्घटना होती है। इसके लिए अभी हमारी जो पेट्रोलिंग टीम है उसको निर्देश दिया है, जहाँ कहीं भी गाय दिखे उसको रोड से साइड पे करें। पेट्रोलिंग हमारी 24 घंटे होती रहती है, दिन में 6 बार पेट्रोलिंग करते हैं। एक वर्ष में लगभग कितने एक्सीडेंट हो गए होंगे खजुराहो से और झांसी तक? ये अभी मैंने नया ज्वाइन किया है, मैं देख के आपको बता दूंगा ना। किस प्रकार की जैसे गाड़ियों के या जो गायों को हटाने का है, हाँ, किस प्रकार से आपका बना हुआ है, किस प्रकार से चला रहे हैं अभियान? इसमें हम लोग कितने लोग एनएचएआई झांसी से खजुराहो तक हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? हमारे पास 3 पेट्रोलिंग व्हीकल है जी। उसमें से दो इसमें छतरपुर वाले एरिया में 2 है और 1 झांसी वाले एरिया में जी। वो 24 घंटे पेट्रोलिंग करती रहती है। और गायों की और इनकी क्या व्यवस्थाएं? इनके लिए हमने इसको लोकल जो प्रशासन है उसके साथ सहयोग लेके हम लोग इनको मशीनरी वगैरह प्रोवाइड करेंगे और जो टीम ये बताएगी उसको हम गौशाला में छुड़वाने की व्यवस्था करवाएंगे। कलेक्टर साहब ने भी एनएचएआई पर एक नोटिस जारी किया है। हाँ, घटना होने के बाद ही नहीं नहीं ये इसके पहले क्या व्यवस्थाएं? इसके पहले भी हम लोग पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी गौशाला में, गौशाला तक छोड़ रहे थे, पर गौशाला में गायों के रखने की सुविधाएं नहीं थी तो अब वो लेने से मना कर रहे थे उस टाइम पे। अभी कलेक्टर साहब के सहयोग से और अभी नई गौशालाएं भी बन रही है, गोठान वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग इसको छुड़वाएंगे। जैसे एनएचएआई के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं, हाँ, कि एनएचएआई पे कोई भी एनएचएआई हो उस पे गायें हैं या अन्य जानवर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए कोई और अलग से फंड रखा गया था कि जैसे जाली या कुछ इस तरीके से कुछ लगाया गया था, जैसे कि बमीठा से और खजुराहो तक लगाया गया है, इस प्रकार का कोई इस पे भी प्रावधान था? नहीं, इस पे ये जो प्रावधान है क्रैश बैरियर का, जैसे बमीठा और इस पे लगाया गया है, ये पशुओं के लिए नहीं है। ये इसके लिए है कि जो जब हाई एम्बैकमेंट रहता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या इस पे भी इसी प्रकार का प्रावधान है? इस पे एक ये है बाउंड्री वॉल बनाने वाले हैं हम लोग, इसको जल्दी उस पे काम शुरू हो जाएगा। अभी क्या ये प्रोजेक्ट अधूरा माना जाएगा क्या पूरा माना जाएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे बाउंड्री वॉल बननी थी तो बनी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट अधूरा है कि पूरा है अभी? नहीं, ऐसे तो पूरा है ये उस ये बसारी में आप देख रहे होंगे कि कुछ खाली पड़ा हुआ है, एनएचएआई का जो रोड है वो बना नहीं है। आप भी जाते हो कहाँ पर? बसारी आगे जाके, यहाँ आगे जाके डी स्कोप हो गया, वो डी स्कोप हो गया है, किसी कारण डी स्कोप हो गया है, पता नहीं। जो पेड़ काटे गए थे एनएचएआई के द्वारा, हाँ, और आपके द्वारा फूल के पेड़ लगाए गए हैं और जिसमें बड़े पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं? अभी ये पेड़ तो लगाए जा रहे हैं और हर साल इसको जो कम पड़ जाते हैं जो मर जाते हैं उसके लिए हर साल लगाते हैं ना, और अभी एक हमारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी होगा कल, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम है, उसमें इसके अलावा अलग से पेड़ लगाएंगे। जैसे फूल के पेड़ लगाए जाने थे क्या, फलदार या वृक्ष छायादार भी वृक्ष लगाए जाने थे क्या, सब फूलों के लगाए जाने थे वृक्ष? ये सर IRC कोड के हिसाब से जो है वो लगाए गए हैं, IRC कोड के हिसाब से जो मतलब जो धूल वगैरह को शोषित करे उस टाइप के कोड। आपका कहना सीधा ये है कि सिर्फ फूल के पेड़ लगाए जाने थे अभी? हाँ, ये मतलब एक यहाँ बड़े भी नहीं लगा सकते ना एकदम बीच में, क्योंकि गाड़ी टकराएगी और एक्सीडेंट का चांस रहता है उसमें, तो छोटे जो ग्लेयर को कम करते हैं उसी को लगाया जाता है अभी बीच में।
झांसी खजुराहो फोर लेन पर केड़ी पुल के पास बीते रोज एक दर्जन गौवंश को ट्रक चालक द्वारा बेरहमी से कुचल देने की घटना के बाद जिला कलेक्टर ने फोर लेन से पशुओं को हटाने से संबंध में प्रभावी कार्यवाही न करने पर NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवेंद्र चापेकर को नोटिस जारी किया है और दुर्घटनाओं के मद्देनजर 3 दिन में जवाब भी मांगा है। जवाब संतोषजनक न होने पर कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित करने की बात भी नोटिस में कही गई है। यह नोटिस मिलते ही NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवेंद्र चापेकर ने NHI पहुंचकर वहां बैठे आवारा पशुओं को रेडियम लगाने व लाल रंग का पट्टा बांधने तथा फोर लेन से भगाने का दिखावा किया गया। बड़ी मुश्किल से 2-3 पशुओं के गले में लाल रंग का पट्टा बांधा गया। NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को इस अभियान में इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि वह गौवंश के लिए कुछ भोजन सामग्री लेकर नहीं गए थे, जिससे कर्मचारियों का समूह देखते ही फोर लेन में विचरण करने वाले मवेशी भाग खड़े हुए। प्रश्न यह उठता है कि जब से फोर लेन पर वाहनों का आवागमन चालू हुआ तभी से फोर लेन पर पशुओं का जमावड़ा लग रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में लोगों की अकाल मौत भी हो रही है। इसके पहले NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कर्मचारियों ने फोर लेन से मवेशियों को हटाने का अभियान क्यों नहीं चलाया था? जब कलेक्टर द्वारा कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी किया गया तब कहीं फोर लेन से आवारा मवेशियों को हटाने और उनकी सींगों में रेडियम लगाने का दिखावा किया गया? क्या कहा NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इस संबंध में? NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवेंद्र चापेकर का कहना है कि बारिश का सीजन चल रहा है, जगह गीली होने के कारण मवेशी NH में सूखी जगह पर बैठते हैं जो दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। हमने कई पशुओं को गौशाला भेजा लेकिन गौशाला वालों ने लेने से इनकार कर दिया। अब जिला पंचायत CEO से बात हुई, उनके माध्यम से फोर लेन के आवारा जानवरों को गौशाला तक भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।